महंगाई के विरोध में झाबुआ नगर प्रातः काल से ही पूर्णतः बंद रहा। बंद के उपरांत कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। झाबुआ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों और केंद्र सरकार राज्य सरकार के उदासीन रवैये को लेकर 20 फरवरी को आधे दिन का बंद आयोजित किया गया था। नगर की जनता और व्यापारी गणों का आह्वान पर पूर्ण रूप से समर्थन मिला। इसकी वजह से प्रातः से ही सभी प्रतिष्ठान संपूर्ण नगर में बंद रहे और महंगाई के विरोध में स्वेच्छापूर्वक कांग्रेस द्वारा एक दिन पूर्व ही पूरे नगर में मुनादी कर नगर की जनता और व्यापारियों का आधे दिन बंद रखने का आह्वान किया गया था, जिसका पूर्ण रूप से कांग्रेस को सहयोग प्राप्त हुआ। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। क्या क्या चीज़ बंद है और क्या मांग है आपकी? सर्वप्रथम तो मैं झाबुआ की जनता को और देश की और प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के आह्वान पर ये बंद को पूरा समर्थन दिया है। जिस तरह से केंद्र सरकार बेलगाम होती महंगाई को काबू में नहीं पा रही है, निश्चित ही उसका विरोध आम जनमानस में और व्यापारियों में है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से महंगाई कम होना चाहिए, वो अपने अपने स्तर से जवाब दे रहा है, लेकिन आज इस बंद को जिस तरह से जनता ने समर्थन दिया है, व्यापारियों ने समर्थन दिया है, निश्चित वो भी इस महंगाई से परेशान हो चुकी है और वो भी इस बंद को समर्थन देके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।